लाभ का पद मामले में अपने विधायकों पर गिरी गाज से बौखलाई आम आदमी पार्टी। आप नेता संजय सिंह बोले, चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह कर रहा है काम। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता जाने से कुमार विश्वास दुखी। सीएम अरविंद केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, कहा मेरी बात नहीं मानी। सरहद पर गोलीबारी से युद्ध जैसे हालात, फायरिंग में दो नागरिकों की मौत, एक जवान शहीद। एलओसी पर भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। मध्य प्रदेश में 19 नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। राघोगढ़ नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की करारी हार, 24 में से 20 सीटें जीती कांग्रेस। फिल्म पद्मावत पर बैन का वादा निभाने की तैयारी में वसुंधरा सरकार। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के विकल्पों पर कर रही है विचार। एक बार फिर बोधगया को दहलाने की साजिश नाकाम। महाबोधि मंदिर के पास मिले दो जिंदा बम, धर्मगुरु दलाई लामा भी है बोधगया में मौजूद। उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गाड़ी गंदी हो जाएगी कहकर घायल युवकों को सड़क पर तड़पता छोड़ा, दो की मौत। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, जाति जन्म से तय होती है, शादी से बदल नहीं जाती। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए प्रवीण तोगड़िया समेत तीन को बाहर करेगा आरएसएस। भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विरजेश उपाध्याय और वीएचपी अध्यक्ष राघव रेड्डी होंगे बाहर। फरवरी के आखिर में होने वाली बैठक में फैसला संभव। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के बाद श्रीराम सेना के संस्थापक ने भी जताया जान का खतरा। बोले, जो तोगड़िया के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली जेट प्लस सुरक्षा। मोदी सरकार ने दी हरी झंडी। गुरुग्राम में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। चार विदेशी युवतियों समेत 9 लड़कियां गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी कस्टमर बनकर बिछाया था जाल। बरेली का साईं अस्पताल हुआ सीज। 15 जनवरी को अस्पताल में आग लगने से दो मरीजों की हुई थी मौत। मुरादाबाद जीआरपी ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर 20,000 का इनाम है घोषित। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान पर लगा पलीता। प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू पोछा लगाते नजर आए बच्चे। मेरठ में शराब की अवैध तस्करी पर आबकारी विभाग की छापेमारी। पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही 115 देसी शराब की बोतलें की जब्त। ब्रिटेन में अनूठी पहल। अकेलेपन और डिप्रेशन से निपटने के लिए बना नया मंत्रालय। लेबर पार्टी के सांसद जो कॉक्स की याद में बनाया गया मंत्रालय। बीसीसीआई प्रमुख ने की विराट कोहली की तारीफ। बोले, हर क्रिकेटर के लिए जीता जागता उदाहरण है कप्तान कोहली। विदेशों में भी सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है का धमाल। फिल्म में चौथे दिन तक की 126 करोड़ से ज्यादा की कमाई। बॉक्स ऑफिस पर 330 करोड़ के पार जा चुकी है कमाई। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म मियां कल आना यूट्यूब पर रिलीज होते ही वायरल। हलाला के मुद्दे पर बनी है फिल्म।